दक्षिणी ईरान के शिराज शहर की एक दरगाह में एक हमलावर ने घुसकर फायरिंग कर दी, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। इसी दरगाह में पिछले साल आतंकी संगठन आईएसआईएस ने भी हमला किया था, जिसमें 13 लोग मारे गए थे। और एक बार फिर ईरान की उसी मशहूर शाह चिराग दरगाह को निशाना बनाया गया। बताया गया कि एक बंदूकबाज ने दरगाह के परिसर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद दरगाह में पहुंचे लोगों में भगदड़ मच गई। हालांकि इस बार हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली, मगर शक की सुई आईएसआईएस की तरफ है, क्योंकि ईरान एक शिया मुस्लिम देश है और आईएसआईएस सुन्नी मुस्लिम आतंकी संगठन है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और आईएसआईएस ईरान में कई हमलों की जिम्मेदारी ले। दक्षिणी ईरान के शिराज शहर की एक दरगाह में एक हमलावर ने घुसकर फायरिंग कर दी, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। इसी दरगाह में पिछले साल आतंकी संगठन आईएसआईएस ने भी हमला किया था, जिसमें 13 लोग मारे गए थे। और एक बार फिर ईरान की उसी मशहूर शाह चिराग दरगाह को निशाना बनाया गया। बताया गया कि एक बंदूकबाज ने दरगाह के परिसर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद दरगाह में पहुंचे लोगों में भगदड़ मच गई। हालांकि इस बार हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली, मगर शक की सुई आईएसआईएस की तरफ है, क्योंकि ईरान एक शिया मुस्लिम देश है और आईएसआईएस सुन्नी मुस्लिम आतंकी संगठन है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और आईएसआईएस ईरान में कई हमलों की जिम्मेदारी ले। दक्षिणी ईरान के शिराज शहर की एक दरगाह में एक हमलावर ने घुसकर फायरिंग कर दी, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। इसी दरगाह में पिछले साल आतंकी संगठन आईएसआईएस ने भी हमला किया था, जिसमें 13 लोग मारे गए थे। और एक बार फिर ईरान की उसी मशहूर शाह चिराग दरगाह को निशाना बनाया गया। बताया गया कि एक बंदूकबाज ने दरगाह के परिसर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद दरगाह में पहुंचे लोगों में भगदड़ मच गई। हालांकि इस बार हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली, मगर शक की सुई आईएसआईएस की तरफ है, क्योंकि ईरान एक शिया मुस्लिम देश है और आईएसआईएस सुन्नी मुस्लिम आतंकी संगठन है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और आईएसआईएस ईरान में कई हमलों की जिम्मेदारी ले। दक्षिणी ईरान के शिराज शहर की एक दरगाह में एक हमलावर ने घुसकर फायरिंग कर दी, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। इसी दरगाह में पिछले साल आतंकी संगठन आईएसआईएस ने भी हमला किया था, जिसमें 13 लोग मारे गए थे। और एक बार फिर ईरान की उसी मशहूर शाह चिराग दरगाह को निशाना बनाया गया। बताया गया कि एक बंदूकबाज ने दरगाह के परिसर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद दरगाह में पहुंचे लोगों में भगदड़ मच गई। हालांकि इस बार हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली, मगर शक की सुई आईएसआईएस की तरफ है, क्योंकि ईरान एक शिया मुस्लिम देश है और आईएसआईएस सुन्नी मुस्लिम आतंकी संगठन है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और आईएसआईएस ईरान में कई हमलों की जिम्मेदारी ले। दक्षिणी ईरान के शिराज शहर की एक दरगाह में एक हमलावर ने घुसकर फायरिंग कर दी, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। इसी दरगाह में पिछले साल आतंकी संगठन आईएसआईएस ने भी हमला किया था, जिसमें 13 लोग मारे गए थे। और एक बार फिर ईरान की उसी मशहूर शाह चिराग दरगाह को निशाना बनाया गया। बताया गया कि एक बंदूकबाज ने दरगाह के परिसर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद दरगाह में पहुंचे लोगों में भगदड़ मच गई। हालांकि इस बार हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली, मगर शक की सुई आईएसआईएस की तरफ है, क्योंकि ईरान एक शिया मुस्लिम देश है और आईएसआईएस सुन्नी मुस्लिम आतंकी संगठन है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और आईएसआईएस ईरान में कई हमलों की जिम्मेदारी ले।